दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण लोग पीड़ित हैं, मरने वाले की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कई उपाय हैं जिससे अपनी जान बचाई जा सकती है। केवल गोलियां खाना और सप्लीमेंट फांकने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा और उत्तम भोजन कारगर साबित हो रहा है इससे बचने के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि हर दिन 20 से 30 मिनट व्यायाम करने से आपके पूरे शरीर में फुर्ती आती है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मददगार साबित होती है। इससे संक्रमण के खिलाफ शरीर को लड़ने की शक्ति मिलती है। कई अध्ययनों में यह भी पाया गया कि हर दिन मध्यम तीव्रता का व्यायाम करने से सर्दी जुकाम भी कम हो जाती है। व्यायाम को महत्व दिया जा रहा है। 20 से 30 मिनट व्यायाम करनी चाहिए हर व्यक्ति को। वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह भी पता चला है कि शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे शरीर के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ता है और शरीर के प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने के पीछे तनाव भरी जिंदगी भी बहुत बड़ा आधार माना जा रहा। तनाव भरी जिंदगी के कारण प्रतिरोधक क्षमता लोगों की घटने लगती है और इसलिए लोगों को लपेटा में कोरोना लेती है। तनाव से दूर रहें। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि भोजन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर का बना भोजन ही सभी जरूरी पोषण तत्व देता है। सप्लीमेंट डॉक्टरी सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि घर में बने भोजन होते हैं, उसमें सारा विटामिन है। आप घर के बनाए भोजन को ही यूज करें और डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही किसी दवा का सेवन करें। साथ ही साथ अध्ययन से यह भी पता है कि अच्छी नींद भी बहुत आवश्यक है। वयस्कों को रात में 6 से 8 घंटे सोने चाहिए। एक अंधेरे कमरे में सोएं और नियमित रूप से सोने और जागने का समय निश्चित करें। यह आपको जानना जरूरी है कि नींद भी जरूरी है आम आदमी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। इस बात से बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि जिंक से कोरोना में लाभ मिलता है। इसके अत्यधिक प्रयोग से एनीमिया, स्वाद गंध खोने और नर्वस सिस्टम के फेल हो जाए होने का खतरा रहता है। जिंक का सेवन अत्यधिक लाभदायक नहीं है, नुकसानदेह है। इससे कई तरह की परेशानी होती है। नर्वस सिस्टम आपका गड़बड़ा सकता है, एनीमिया हो सकता है, स्वाद और गंध खोने की भी संभावना बनी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा घर के बने भोजन का प्रयोग करें, नींद अच्छा लें, सोने का प्रयास करें, साथ ही साथ हर दिन व्यायाम 20 से 30 मिनट करके अपने क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तनाव भरी जिंदगी से दूर रहें। यह कुछ टिप्स है। इस टिप्स के माध्यम से ही आप कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर का बढ़ा सकते हैं। तनाव, नींद नहीं आना, पौष्टिक भोजन नहीं करना, बाजारू सामान खाना, यह मुद्दा है जिस पर ध्यान आपको देना होगा। केवल गोली दवा खा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। विटामिन ए बी सी आपके बने घर के खाने में उपलब्ध है। लोग आज के समय में बाहरी सामान खाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिसके कारण तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए उम्दा भोजन, अच्छा भोजन करने का प्रयास करें। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है तो बीमारी से लड़ने की ताकत आपको मिलती है। तो दोस्तों, यह जरूरी टिप्स था जो हमने बताया। मेरे इस वीडियो को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।